दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान के कुछ ऐसे अद्भुत चमत्कार दिखाएंगे जिसे देखकर आपको भी लगेगा भगवान सच में होते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले और बेल आइकन को ऑन करना ना भूले। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी जीवित है और उसका प्रमाण आपको पिलवा महावीर के मंदिर में मिल जाएगा। दोस्तों वहाँ पर एक ऐसी हनुमान जी की मूर्ति है जिसे आप जितना भी लड्डू प्रसाद खिलाओ वो हनुमान जी की मूर्ति उस लड्डू को खा ही जाती है। और ये मंदिर 500 साल पुरानी है और वहाँ के पुजारी का मानना है कि हनुमान जी रात के वक्त राम राम का पाठ करते हैं। और ये रहा उस जगह की एक छोटी सी क्लिप। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों आप सभी के लिए दिवाली के त्योहार में हमने आपके लिए एक गिव अवे रखा है और उस गिव अवे में आप में से किसी एक लकी विनर को HP का क्रोमबुक दिया जाएगा। और इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बस चार काम करना होगा। पहला, इस वीडियो को पूरा देखें। दूसरा, इस वीडियो को लाइक करें। तीसरा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चौथा, इस वीडियो के नीचे एक कमेंट करना होगा। जो भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा उसका जीतने का चांस बढ़ जाएगा और इस गिव अवे का रिजल्ट आपको हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट में मिल जाएगा। जाके उसे जल्दी से फॉलो करें। इससे ये होगा कि अगर विजेता को गिफ्ट देना हो तो हम उसे डायरेक्ट बात कर सके। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करना ना भूले। दोस्तों ये वीडियो शिव जी के मंदिर में रिकॉर्ड किया गया था और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कई लोग शिव जी के आगे बैठकर पूजा कर रहे होते हैं और वो व्यक्ति भगवान शिव जी से आशीर्वाद मांगता है। और इस वीडियो के आगे कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपको भी लगेगा भगवान सच में होते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये एक कोइंसिडेंट है या फिर एक भगवान का चमत्कार, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप महादेव जी की भक्त है तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो को देहरादून में एक व्यक्ति के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था और उस व्यक्ति का दावा था कि इस साईं बाबा जी की मूर्ति में धड़कने चल रही है। और इस वीडियो को देखने के बाद कई लोग हैरान हो चुके थे और ये रहा उस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप। प्रसाद की दुकान है, बाबा की 20 साल से सेवा कर रहा हूं। ये बाबा की मूर्ति बहुत चमत्कारी मूर्ति है। बाबा की ये पूरी मुराद पूरी करने वाली मूर्ति है। आज बाबा ने चमत्कार फिर करके दिखा दिया। बाबा की मूर्ति में मैंने ऑक्सीजन लगाया तो देखो बाबा की धड़कन चल रही है। मैंने और सब मूर्ति में लगाया, किसी में धड़कन नहीं चल रही है, लेकिन बाबा ने अपना चमत्कार दिखाया है कि बेटा मैं तुम सबके साथ हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। तो आज वीरवार बाबा का दिन है तो बाबा ने अपना चमत्कार साक्षात मुझे दे दिया है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ। और मैं देहरादून से संजय वर्मा संजू साईं बाबा मंदिर राजपुर से बोल रहा हूँ। तो छोटी सी मेरी प्रसाद की दुकान है, वहीं पर मैं मूर्ति अपने ये वाली मूर्ति मैं अपने प्रसाद की दुकान पर रखता हूँ हमेशा के लिए। मैंने ये फेसबुक पे लाइव भी डाला है। अभी पीछे कुछ भी नहीं है बाबा के, उसमें कि लोग समझें कि पीछे कुछ लगा रखा है, कुछ नहीं लगा रखा है हमने। ये बाबा का साक्षात में वो है, पर वही समझ सकता है जो बाबा को रियल दिल से मानता है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने ये कहा कि ये वीडियो फेक है और कईयों को लगता है कि ये वीडियो रियल है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लगता है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप साईं बाबा जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में ओम साईं राम लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों ये वीडियो थांजावर में रिकॉर्ड किया गया था और इस वीडियो में भगवान शिव जी की विशालकाय शिवलिंग नीचे गिरते हुए आप साफ देख ही सकते हैं। लेकिन दोपहर के टाइम में जब ये शिवलिंग नीचे गिरा तब उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपको भी लगेगा भगवान सच में होते हैं। और ये रहा उस जगह की एक वीडियो क्लिप। दोस्तों ये वीडियो देखकर आपको क्या लगता है, क्या भगवान शिव जी आज भी हमारे साथ मौजूद है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप भगवान शिव जी के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों ये वीडियो तमिलनाडु के किसी मंदिर के बाहर रिकॉर्ड किया गया था और इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि भगवान नटराज के मूर्ति के ऊपर बारिश का पानी गिरते हुए आप देख ही सकते हैं। और इसमें आप बोलोगे इसमें चमत्कार वाली बात क्या है,
दोस्तों इस जगह पर काफी सारे मूर्तियां हैं, लेकिन इस एक मूर्ति के ऊपर ही बारिश क्यों गिर रहा है? और कई लोग कहेंगे कि ये सब लाइट की वजह से दिख रहा है, लेकिन लाइट तो उन सारे मूर्तियों के ऊपर भी है, लेकिन उन सारे मूर्तियों के ऊपर बारिश क्यों नहीं दिख रहा है? दोस्तों भगवान नटराज शिव जी का ही एक रूप है, और कई लोगों का मानना है कि ये बारिश का पानी भगवान नटराज की मूर्ति के ऊपर जल अभिषेक कर रहा है। और ये रहा उस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, इससे आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।